नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन्स हब। में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, सर लास्ट ईयर आरआरबी के एग्जाम्स में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे वह क्वेश्चंस आप करवाइए। तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट वीडियोज में अपन डिस्कशंस करेंगे। आरआरबी का एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स 21 जुलाई तक फॉर्म इसके फिल होंगे। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फिल कर दें जल्दी से जल्दी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे। ऑल ओवर टॉपिक बेस पर मैंने एक पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन से आप लास्ट ईयर समझ सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टाइप कीजिए कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन का जरूर क्लिक कर लें, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एंड शेयर कर दें, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे एंड अच्छा लगे। मेहनत आपको मेरी अच्छी लगी, आपको कुछ भी हेल्प हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड देन कल एक मैंने क्लास अपलोड की थी डी आई सेट, जो लास्ट ईयर आरआरबी के एग्जाम्स में पूछा गया डी आई सेट्स था प्री के एग्जाम्स में, वह डी आई सेट मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, आपको जो उचित लगे उसमें आप देख सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। इफ पाइप्स ए एंड बी कैन फिल, ए और बी कैन फिल अ टैंक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, दोनों पाइप से ए और बी वो 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में फिल करते हैं, यानी कि एक टैंक को भरते हैं। पाइप सी एम्प्टी, जो एक पाइप सी है वो खाली करता है द टैंक 12 मिनट्स को, 12 मिनट्स में जो वह खाली करता है। ओके, पूरे टैंक को 12 मिनट्स। व्हाट विल द टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी एंड टुगेदर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। प्री लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर और आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। आपकी स्पीड मैटर करती है, प्री में आप स्पीड से कितना सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, यह मैटर करता है। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे भी देंगे, इस वीडियो में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको फंसा भी देंगे, राइट। आपका टाइम कंज्यूम सारा ले जाएंगे, वह आपके ऊपर है आपका स्मार्टनेस कितना है, तब आप पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए क्या कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए ने 15 मिनट्स, बी ने माय डियर फ्रेंड्स कह रहा है 20 मिनट्स में भरा, एंड सी ने जो कि एम्प्टी करता है तो अपन ने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये 12 मिनट्स में ये खाली करता है। टोटल्स वर्क कितना हो गया, 20 15, एलसीएम हो गया 60, 15 4 जो 23 जो एंड 12 5 जो, राइट 60, राइट। एंड 4 और 3 7 - 5 = 2, यानी कि प्रति घंटा जिसको आप कह सकते हैं, प्रति मिनट आप कह सकते हैं 60 यूनिट्स में 2 एक तरह से, राइट। तो 60 यूनिट्स तीनों कंप्लीट करते हैं, 60 अपने को फिल करना है कितने में, एक मिनट में कितना, 2, राइट। तो पूरा टोटल्स कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर, अपने को तीनों का ही पूछा है तो तीनों का आंसर अपन दे सकते हैं। 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगर एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो तुरंत आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, 15 20 12 क्वेश्चंस में देखते ही तुरंत आपको एलसीएम चाहना चाहिए, इसका एलसीएम 60 होता है। एफिशिएंसी 15 का 4 एंड 20 का 3 टाइम्स एंड 12 का 5 टाइम्स, एलसीएम कितना एक तरह से 2, राइट। एफिशिएंसी आ गई तो 2 का डिवाइड कर दीजिए आंसर। एग्जाम्स में आपको ऐसे करना है, जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको यह समझने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस में। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे सर यह चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, ओके। ऑफिशियल्स कंटेंट्स अ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, ये मिक्सचर्स एलिगेशन का क्वेश्चन है,
अच्छा क्वेश्चन से, यह एग्जाम्स में आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है अगर आपको अच्छी ट्रिक नहीं लगाई इस क्वेश्चन में, राइट। ये कंफ्यूजिंग से एग्जामिनर आपका टाइम कंज्यूम करना चाहता है इस क्वेश्चन में। इफ 9 लीटर्स ऑफ मिक्सर्स इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर, देन द न्यू मिक्सर्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर 7:9। फाइंड द इनिशियल्स अमाउंट ऑफ वाटर। पार्टिकुलरली अपन को सारा कुछ वाटर का ही, पानी का ही पूछा गया है। इट मीन्स माई डियर एस्पिरेंट्स, अपन मिल्क का कोई मैटर ही नहीं है, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होगा और बहुत ही कम समय में। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 7:5। तो वाटर का रेशियो अपने 5, टोटल्स रेशियो का योग हुआ अपने पास 12, ओके। एंड अब वाटर नहीं है तो एक दूसरे वेसल्स में अपन मान लेते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स 1 लीटर, राइट। 1 लीटर अपन मान लेते हैं, क्लियर। एंड देन इसने कहा 9 लीटर मिश्रण ये बेच देता है, उसी के स्थान पर पानी प्रतिस्थापित यानी कि पानी डाल देता है, राइट। तो पानी इसमें ऐड करता है तो उसके मिश्रण का अनुपात कितना रहता है 7:9। तो 9 इसका पानी का है, 9 और 7 16 हुआ, राइट। अब इसमें से रेशियो निकाल लीजिए, आपके पास आंसर्स भी आया है, राइट। देखिए 16 वन 16 -1 -9, राइट। तो 7:16 यहाँ पर आया, एंड 9/7 एंड माइनस करेंगे 5/12 से, तो 16 और 12 का एलसीएम आया 48, एंड 16 16 3 जा 16 3 जा 48, 3 × 9 27, -12 4 जा एंड 4 × 5 = 20, राइट। तो यहाँ पर बचा अपने पास 7 48, राइट 7:48। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका मल्टीप्लिकेशन, ओके। 7:48 और 7:16, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 7 से 7 गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, ये 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, राइट। तो रेशियो हो गया 3:1 यानी कि 4, राइट 4। अब देखिए क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस होता है मेन ट्रिक तो, राइट। इसने 9 लीटर्स निकाला है तो 4 टोटल्स, 4 × 9 कितना हो गया टोटल्स 36 लीटर्स। इसमें पूछा क्या है, पानी का इनिशियल्स माप पूछा है, तो 5/12 पानी का माप है, टोटल्स हो गया अपने पास 36, राइट। 12 3 जा 36, 5 × 3 दैट इज द 15, राइट। 15 लीटर्स टोटल्स इसमें वर्क था, ये अपन ने निकाल लिया है, ओके। एग्जाम्स में इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे, इसमें एक्सेल लगाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चंस, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 7x 5x 9 9 लीटर मांग के दोनों का योग करके, फिर आपके पॉइंट्स में आंसर, पॉइंट्स में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती थी, बट इससे आपका एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सर हाँ अच्छा लगा, समझ में आया है, ओके। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो जरूर टाइप कीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं आपको बता दूंगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी अलोन कैन कम्प्लीट अ वर्क 20 डेज 30 डेज। ए और बी दोनों एक एक तरह से कह सकते हैं पार्टनर कह लीजिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो ए है जो 20 डेज में और बी है जो 30 डेज में रिस्पेक्टिवली। टुगेदर दे दोनों उस वर्क साथ में करते हैं, 6 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, 6 दिनों तक, राइट। एंड द रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीटेड, जो बचा हुआ काम है वो सी करेगा। उनको 5000 रुपीज मिलते हैं, अपने को डिफरेंस बताना है सी और ए का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए और बी ने कितना काम कंप्लीट कर लिया, राइट। 6 डेज काम करते हैं और पूरा टोटल्स भी है ए का 20, बी का कितना हुआ, बी है 6 डेज काम करते हैं, बी का टोटल्स डे हैं 30 डेज में, तो इसका ये कितना हो गया 3/10 एंड 6 30 है यानी कि 1/5, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो 3/10 ए करता है माय डियर स्टूडेंट्स और बी कर लेता है अपने 1/5, दोनों मिला के कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका एलसीएम हुआ 10 3 एंड 2 जा, राइट। तो 5/10 इट मीन्स 1/2, हाफ काम कंप्लीट हो जाता है। अब बचा कितना, 1 काम है, 1 में से हाफ कंप्लीट हो गया, तो बचा हाफ ही काम बचा ना, इट मीन्स 1/2 काम बचा, इसको शी कंप्लीट करता है,
राइट, सी इसको कंप्लीट करता है। यह इस चीज को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में काम एक तरह से क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, राइट। तो अब यहाँ से इफिशियंसी अपने पास निकल गई, दैट इज द ए की है अपने पास 3/10, बी की है माय डियर स्टूडेंट्स 1/5, एंड सी की अपने पास आ गई कि 1/2 काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ से इसका एलसीएम 10, 3/10, 3/5, 2 जा 10 एंड 2/5 जा 10, राइट। यानी कि 3:2:5 ये इसका रेशियो आया, टोटल्स रेशियो का योग आप देख सकते हैं 10 है। ओके, पूछा क्या है, 10 हुआ तो पूछा क्या है, डिफरेंस अपने को ए और सी का, दो का डिफरेंस है, यानी कि 10 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 5000, 1 की वैल्यू कितनी हुई 500, 2 की पूछा है ए और सी, 2 हुआ तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द 500 × 2 = 1000, क्लियर, 1000, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर हो, समझ में आया, नहीं समझ में आता टाइप कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ओके, अपन से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है, राइट। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड है। ओके, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है, मार्क्स एंड आइटम्स 50% अबव इट्स सीपी, जो मार्क करता है यानी कि एमआरपी होती है जो सीपी से 50% ज्यादा होती है, और 12% का उसका डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट होता है 256 रुपीज का, देन व्हाट विल द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, अपने को 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एमआरपी, यहाँ पर एसपी, राइट। सीपी है अपने पास 100, एमआरपी है अपने पास 150, क्योंकि आपको पता चला क्वेश्चंस पढ़ा होगा 50% ऊपर मार्क्स की है प्लस, यानी कि 100 है तो 50% कितना हो गया 150। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, 12% का डिस्काउंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस पे ही आपको मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है, इसका 12% कितना हुआ माय डियर फ्रेंड्स 150 का, अपने को 12% निकालना है, कितना हुआ 10% हुआ 15 एंड 1% हुआ 1.5, 2% इसका 3, यानी कि टोटल 18 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो 18 रुपीज का डिस्काउंट दे दीजिए तो बचा कितना 132, क्लियर। ऐसा ही निकालना आपको रैंडमली। ओके, अब देखिए, अब उसमें देर का प्रॉफिट हुआ था, इसको प्रॉफिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, राइट। प्रॉफिट अपने पास गिवन है 256 और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंसेस है 32, राइट। तो यहाँ से एक की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द 8th line, राइट। 8 times, 1 की वैल्यू 8 है और अपने को पूछिए 100 की, कॉस्ट वाइज की, तो 800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसा ही सॉल्व होते हैं एग्जाम्स में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है अगर आपको टाइम सेव करना है, सिलेक्शन लेना है तो। ओके, आई रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी अपन ने 100 माना, सेकेंड अपने एमआरपी 50% ऊपर है तो 150 एमआरपी हुई, सेलिंग प्राइस कितने हो गए 12% का डिस्काउंट है तो 18 रुपीज आपका डिस्काउंट हुआ, तो 150 - 18 = 132। ओके, अब पूछा क्या है, प्रॉफिट्स में दे रखा है 256, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 32 रुपीज का, तो 32 की वैल्यू अपने पास 256 थी, तो एक्स की वैल्यू यानी कि एक की वैल्यू अपने पास 8 रुपीज आए। ओके, तो 8 अपने पास गिवन है, अगर आपको सीपी पूछे, एमआरपी पूछे, एसपी पूछे, कोई भी पूछे, आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है एसपी, तो एसपी की 800 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, समझ में आया, तो प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, बहुत मेहनत लगती है, आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट 5th number क्वेश्चन, ट्रेन ऑप्शन लेंथ, कुछ लेंथ की ट्रेन है, कुछ लंबाई की, जो कि पासेस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 524 मीटर इन 55 सेकेंड्स, 55 सेकेंड्स में ये ट्रेन कवर करती है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर्स, राइट, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से। ओके, तो ट्रेन की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, माय डियर स्टूडेंट्स
ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, प्लीज इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नहीं समझ पाता नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा। ओके वीडियो को एंड अप करते हैं, अच्छा लगा, और भी क्वेश्चंस के साथ में और क्वेश्चंस लाऊंगा, आपको डिस्कशंस करवाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्लीज तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को, ताकि आप कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। ओके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशन तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। नमस्कार।